हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन. ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट इन दैट, दैट इज द स्पेस वेव. सी, दिस इज द डायग्राम फॉर स्पेस वेव प्रोपोगेशन. इन दैट वी सी द वन ट्रांसमिटिंग एंटीना इज देयर एंड वन रिसीविंग एंटीना इज देयर. इन दिस द डिस्टेंस इट इज that is the small d, and one transmitting antenna there is a height that is h of t, and receiving antenna has the height that is h of r. ओके, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से. ओके, उसके बाद में जो है फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें का क्या है. द स्काई वेव प्रोपोगेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस अबव फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 मेगाहर्ट्स. जो स्काई वेव प्रोपोगेशन देखा था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, 30 मेगाहर्ट्स के ऊपर वो क्या प्रोपोगेट नहीं कर सकती है. बिकॉज जो भी आयनोस्पियर होते हैं, जो भी लेयर्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में. ठीक है, बिकॉज आयनोस्फियर कैन नॉट रिफ्लेक्ट बैक सच अ हाई फ्रिक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें. हेंस द फ्रिक्वेंसी अबाउ 30 मेगाहर्ट्स द स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज यूज. ओके, 30 मेगाहर्ट्स के ऊपर हम लोग कौन सी वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं? दैट इज द स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो. This wave travels in the straight line directly from transmitter antenna to the receiver antenna. Okay, ये जो wave है वो directly transmit होती है transmitter to receiver antenna. Okay, the space waves are not reflected like a sky wave. Sky wave में जैसे जो waves होती है वो reflect होती थी, वो इसमें नहीं होता है, space wave में नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. ओके, सी, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इन दैट स्पेस वेव प्रोपोगेशन. इट इज द मल्टी पाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ओके, इन दिस देयर आर द टू रेज, दैट इज डायरेक्ट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, वन ट्रांसमिटिंग एंटीना इज देयर एंड वन रिसीविंग एंटीना इज देयर. ओके, टू रेज आर देयर, डायरेक्ट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सी वन बाय वन डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट इज मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिट इन टू वेज, दैट इज डायरेक्ट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज दैट द डायरेक्ट रे कैन बी ट्रांसमिट्स इन अ स्ट्रेट लाइन. डायरेक्ट रे जो है वो कैसी ट्रांसमिट होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रे बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है? वो क्या होती है? अपने अर्थ के ऊपर आके बाद में वो रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. द रिफ्लेक्टेड रे कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द बेस ऑफ रिफ्लेक्शन फेनोमेनॉन. ओके, दिस सिग्नल ऑब्जर्व इन द टीवी सिग्नल. जो भी हम अपने घर पे टीवी पर सिग्नल्स आते हैं, डिश जो भी चैनल्स दिखते हैं, ठीक है, वो किसके वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. ओके, बिकॉज ऑफ मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ओके, इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द शैडो जोन इन अ स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ओके, इन दैट only transmitting antenna is there and one is the ghost interference. okay, means it is a home. okay, ghost interference means क्या रहता है? दो पहाड़ी के बीच में अगर अपना घर हो, ठीक है, और उसके बाद में जो क्या reflection होता है अपने इधर, तो जो घर में जो टीवी पे चैनल्स आते हैं वो उस पर सिग्नल कैसा होता है? वीक सिग्नल होता है. बिकॉज ऑफ जो भी ये हिल्स होती है, पहाड़ियाँ होती है, उसके वजह से क्या होता है? वो जो सिग्नल है वो कैसा हो जाता है? वीक होता है. ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे. द स्पेस वेव ट्रैवल्स वेरी क्लोज टू ग्राउंड, हिल्स, बिल्डिंग एंड ट्रीज. ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स विल ऑब्जर्व एज वेल एज कैटर्स द एनर्जी.
ठीक है, ये जो हील्स है वो क्या करते हैं, ये जो भी सिग्नल्स है वो क्या करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स रोकते हैं, और उसके बाद में जो भी शैडो जोन होता है, जो पहाड़ी के बाद में अपना अगर घर हो तो क्या होता है, वहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, शैडो जोन से आते हैं, तो वो वीक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट इसमें ही पॉइंट देखो, द सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ वेरी लो इन द शैडो जोन, देयर फोर द रिसीविंग एंटीना नीड टू टॉलर टू रिसीव द सिग्नल। ओके, अगर पहाड़ी के बाद में अपना घर हो तो आपको जो एंटीना है वो उसकी हाइट कैसी रखनी चाहिए, बहुत टॉल रखनी चाहिए, तभी आपको सिग्नल जो है अच्छा मिलेगा, नहीं तो सिग्नल की जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कैसी रहती है, शैडो जोन में वेरी लो। ओके, उसके बाद में जो है हम लोग इसमें अप्लीकेशन भी देख लेंगे। सी, दिस इज़ द पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ शैडो जोन स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ओके, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। देन सी द अप्लीकेशन ऑफ स्पेस वेव प्रोपोगेशन, दैट इज फर्स्ट इट इज़ द टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ओके, सेकेंड इज़ FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एंड थर्ड इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, ये जो तीनों जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, दैट इज़ द स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ओके, ये जो एप्लीकेशन है वो किसके है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। सो आज का जो लेक्चर है वो एंड हो चुका है, टुडेज टॉपिक विल बी एंड, सो थैंक यू।